वेलकम। आप सुन रहे हैं महुआ सिंपनी में, इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतन वास्तव सिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई धर्मवीर चाहर जी, जेंगाना बसैया चाहर वाटी से। पेड़ की धनकार सुन रहे हैं भाई प्रेम सिंह जी उबार से, और झीका की धनकार सुन रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपा से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं पंडित रोहित दास, डीजे साउंड सर्विस जलूथर राजस्थान से। आइए एक और बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंच रही है, सुनिएगा। विराजमान प्रांगण में जितने भी जिगड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं भक्ति स्वरूपा, हमारी माता अनुसुईया सती जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, आपके बीच में सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। एक से बढ़कर के एक कलाकार है, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, लेकिन सुनिएगा, कवि ने चार पंक्तियों में लिखा है, भैया जी क्या लिखा है सुनिए। कहा कि ये काउनी दान और करो पैसा बेटा चीरो तो काउने दयो स्वरण लुटाई। क्या काउने दान और करो अनिधन को तो काउने दये पुष्प चढ़ाई, पर धन्य भाग सुपड़ खा तेरे जो कि नाक कान हरि कूदे आई। आइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर हर तरीके के श्रोता बैठे हैं, कंपटीशन भी सुनना चाहते हैं, जिकड़ी भी सुनना चाहते हैं, और राजस्थान में कहो करें टुम्मा टुम्मो सुन मचा हमेशा। सबकी फरमाइश एक साथ पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि जिकड़ी का दंगल है, जिकड़ी का मेला है, जिकड़ी सुनाने की। आइए आपके समक्ष साखी लेकर के आ रहा हूं, वो साखी क्या कह रही है गौर दीजिए। हो अरे गोरी अरे गोरी तो पे जो बात उस समय की है जब भक्ति महारानी हर जगह घूम करके आई, उसके जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, मां तो जवान है लेकिन पुत्र दोनों बूढ़े हो गए। उस समय कलयुग प्रारंभ हो चुका था, आहा कलयुग का ही यह प्रभाव था,
आज दोनों पुत्रों को साथ में लिया और वृंदावन में कहां पहुंची? यमुना किनारे, जहां मेरे बांके बिहारी कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी सखाओं के साथ, वहां विराजमान हो गई। इधर नारद जी कलयुग का हाल चाल देखने के लिए आए, आज जैसे ही भक्ति महारानी को देखा तो पूछ लिया, ए गोरी, अरे गोरी तो मैं हरी जो बन है भरपूर और छाई रहो नूर, अरे छाई रहो नूर, छाई रहो नूर रे दो बेटा और बूढ़े कैसी है को सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र अंदर रोने लगे। ये ग्यामर रुपए का पुरस्कार होरीलाल जी जाजमपट्टी निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ, आज जब ऐसे वचनों को सुना, महाराज धृतराष्ट्र अंदर के आंखों से आंसू झर रहे हैं, रोते रोते आज याद कर रहे हैं। किसे याद कर रहे हैं? सुनिएगा भैया क्या लिख दिया। सामने खड़े हैं, कहा क्या बात है, क्या आज्ञा है? कहने लगे, बेटाई तहनो धर्म निभाई दे, अरे थोड़ी सी रे मोहे रकम कहाई दे, थोड़ी सी रे मोहे रकम कहाई दे, बेटाई तनो बेटाई तनो बेटाई तनो धर्म निभाई दे,
करी की श्राद्ध हे बेटा हो हे रे करी की मिश्राद बनी पूजाऊ लौट की उलट बेटा फिर ना आऊ लौट की रुपए का पुरस्कार महेंद्र सिंह पप्पन जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब धर्मराज जी से निवेदन किया, आहा बंधु बताया है अर्थ में कि धूमधाम से धर्मराज ने सबको श्राद्ध करायो है और धर्मराज को धर्म देख के राजा बहुत सिखायो है। अंधभूप कहे लाल युधिष्ठर, अंधभूप कहे लाल युधिष्ठर मेरो इतनो हुकम निभा दे और मुझे बन की डगर दिखा दे। मेरा एक काम और कर दे, मुझे बन में लेकर के चल। आहा बंधुओं, आज महाराज धृतराष्ट्र, समय की तरफ इशारा हो रहा है, एक गीत आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रसंग सुने भाई, गीत नयो सुन ले, सुनिए। एक देशद्रोही गद्दार ने हमारे भारतवासी एक वीर जवान से कहा कि आपके इस भारत को महान क्यों कहा जाता है। आहा, जब ये बात कही कि महान क्यों कहा जाता है, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो उसने जवाब दिया कि सुन, मैं बताता हूं मेरे भारत देश में ऐसा क्या है। आइए गीत के माध्यम से सुनाऊंगा, आपको गौर दीजिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, कोशिश कर बुझती है हर चिंगारी। ऐसा नहीं रहना चाहिए बिना ताली के, सुनिए।
धरोहर धरा की तीर जवान किसान। और ये सच बात है, इस भारत देश में ये जो हमारे किसान भाई हैं, इन्हीं की वजह से ये देश महान है। धरोहर धरा की ये तीर जवान किसान। और एक हाथ उठाइए अपना ऊपर और मेरे साथ कहिए, क्या अगर सच्चे भारतवासी हैं तो सब बोलेंगे महान मेरा, महान मेरा भारत देश, महान हो महान, महान मेरा भारत देश। अब सुनिए, हमारे इस भारत देश में क्या क्या है। धारा बनी धरा पर गंगा जी बह रही, इसी बीच 200 रुपए का पुरस्कार कल्लू महुआ निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, धारा बनी धरा पर गंगा जी बह रही, यमुना जी सूर्यवंशी, यमुना जी सूर्यवंशी हंसे हंस के कह रही, यमुना जी सूर्यवंशी। और क्या इस भारत देश में, अरे इसी मातृभूमि पर ये हुए राम श्याम है। ये भारत देश ऐसा देश है, जब भी उस ईश्वर ने जन्म लिया तो इस भारत भूमि पर ही लिया, कहा इसी मातृभूमि पर ये हुए राम श्याम है। काशी बनारस मथुरा, काशी बनारस मथुरा, काशी बनारस मथुरा अयोध्या सधाम है। काशी बनारस मथुरा अयोध्या सधाम है। सोने की चिड़िया मेरे भारत का नाम है, हाय सोने की चिड़िया मेरे भारत का नाम है। इस धरा में बसी, इस धरा में बसी हीरा मोती की खान। इसलिए महान मेरा भारत देश महान। पचास पहले पचास फिर से शेर सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की लाइन सुनिए, कहा यह भारत देश ऐसा देश है, इस देश में एक से एक वीर, एक से एक महान हुए हैं। नारी की आदि शक्ति इसी मातृभूमि पर, और ऋषियों की भाव भक्ति, ऋषियों की भाव भक्ति इसी मातृभूमि पर। और क्या है, बाइबल कुरान गुरु, बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ और गीता है। पैदा इसी धरती से सावित्री सीता है, पैदा इसी धरती से सावित्री सीता है। जीवन इसी मिट्टी में मुनियों का बीता है, जीवन इसी मिट्टी में मुनियों का बीता है। पूजा भी पाठ
देखते हुए अंतिम लाइनों में गीत को विराम देंगे। अरे जो वीर सुधरा पर बलिदान हो गए, अरे जो वीर सुधरा पर कुर्बान हो गए, बलिदान जान करके वो महान हो गए, बलिदान जान से भी ज्यादा प्यारा पावन तिरंगा है, ये तो सत्य है। जान से भी ज्यादा प्यारा, जान से भी ज्यादा प्यारा पावन तिरंगा है, वंदे मातरम का नारा काए यमुना गंगा है, वंदे हम करें गुणगान। महान मेरा भारत देश एक कलाकारों के लिए छोड़ना है। आइए छोटी सी बात मात्र तो दो मिनट में। सुनिए, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, ये तो फिल्मी दुनिया वालों की बात है, लेकिन जो हमारे कवि ने लिखा है, आने वाले जो भी कलाकार प्रश्न का जवाब लेकर के आना चाहे या जिससे मेरा कंपटीशन किया गया हो उसके लिए प्रश्न है। सुनिए, जब फेरा डले गए शिव शंकर छले गए, और दीजिए कि जब फेरा डले गए शिव शंकर छले गए, जब फेरा डले गए शिव शंकर छले गए, तो फिर बिसियर और चंद्रमा जब भगवान शंकर के और पार्वती के फेरा डले, तो उस समय भगवान शंकर के एक तो चंद्रमा और एक शेषनाग जो विराजमान रहते हैं वो कहां पर चले गए थे? कहां? बिसियर और चंद्रमा, बिसियर और चंद्रमा बोलो कहां पर चले गए? जब फेरे डले गए शिव शंकर छले गए, गर्तन पर रह जाते अगर वो भगवान शंकर के साथ में ही थे तो सुनिए, गर्तन पर रह जाते शिव शंकर पछताते, गोरा के संग में उनके और गोरा के संग में उनके फिर फेरा पर जाते, गोरा के संग में उनके फिर फेरे पड़ जाते, तो पाले ये पले गए सज के ये गले गए, पाले ये पले गए सज के ये गले गए, बिसियर और चंद्रमा, बिसियर और चंद्रमा बोलो कहां पर चले गए? जब फेरे डले गए शिव शंकर चले गए।